A very good morning, students. I am your teacher, Miss Rashi Mangal from Sanskriti Gurukulam School. Today, I am teaching you English. Now, I am going to take up Chapter 3 exercise. So, let's start with the first question. Take the correct answer, okay? It means, जो answer हमारा correct होगा, उस पर हमको tick लगाना है, okay? So, हम first देखते हैं पहले. द प्लूरल ऑफ काफ इज, अब इसमें हमसे क्या पूछा है, काफ का प्लूरल पूछा है. हमने जब इसके फॉर्मेशंस पढ़े थे, हमने देखा था उसमें जिस भी नाउन में लास्ट में एफ या फिर एफ ई होगा तो उसमें हम उसकी जगह पर क्या करेंगे, वी ई एस लगा देंगे. ओके, तो हमारा इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, सी ए एल वी ई एस. फिर हम अपने इसके ऑप्शंस चेक करते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, C-A-L-F-S, C-A-L-V-E-S और C-A-L-F-E-S. अभी हमने क्या बताया, काफ का अगर F हटाकर F या F E होता तो उसको हटाकर हम क्या कर देते, V-E-S. हमने हमारा क्या सेकेंड ऑप्शन में क्या है, C-A-L-V-E-S. इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट है, हम यहाँ पर टिक लगा देंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. When a noun ends in Y which has a vowel before it, इट्स प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग. अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी नाउन है जो कि वाई से एंड होती है, ओके, और उस वाई से पहले एक वॉवल दिया हुआ है, तो हम जब उसका प्लूरल बनाएंगे उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमको, ये भी हमने उसके फॉर्मेशन में देखा था कि हमको क्या करना होगा, अगर वाई के पहले वॉवल होगा तो हमको वहाँ पर सिंपली एस लगाना होगा. ओके, चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं, एस टू इट, ई एस टू इट और आई एस टू इट. ओके, हमने तो एस टू इट पढ़ा था तो हम क्या करेंगे, इस पर टिक कर देंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स हैज़ द सेम फॉर्म ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स. ऐसी कौन सी नाउन है जो कि जिसमें सेम ही रहता है, चाहे प्लूरल में हो चाहे सिंगुलर में हो, दोनों ही सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं आते. कौन सी नाउन है ये देखते हैं. ये क्या है, चीफ. चीफ में तो क्या है, हम एस लगाते हैं तो इसका प्लूरल होता है, तो इट मींस ये तो हो नहीं सकता. चिल्ड्रन, चाइल्ड में भी हम चिल्ड्रन हो जाता है इसका प्लूरल, बट शीप का ऑलवेज शीप रहता है, प्लूरल भी इसका शीप ही होता है. इट मींस शीप इज राइट आंसर. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट द प्लूरल ऑफ द नाउन गिवन बिलो. अब क्या करना है, जो हमको नाउन्स दी हुई है ये उसके क्या है, प्लूरल्स बनाने हैं. ओके, चलिए देखते हैं. हमारे पास फर्स्ट क्या है, लेडी. ओके, देखेंगे अब. हमने आपको बताया था फॉर्मेशन में कि जब हमारे पास वाई हो, एंड में वाई हो, बट वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करते हैं, वाई को हटाकर आई ई एस कर देते हैं. ओके, देखिए जैसे हमने किया है, लेडी का क्या किया है, लेडीज़, एल ए डी आई ई एस. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. टूथ, टी डबल ओ टी एच, इसमें हम क्या करते हैं, डबल ओ की जगह डबल ई यूज़ करते हैं. ओके, तो ये क्या हो जाता है, टूथ की जगह टीथ. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बफेलो. ओके, सो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें अगर लास्ट में ओ आता हो तो हम इसके साथ में ई एस और ऐड कर देते हैं. ओके, सो क्या हो गया बफेलो का, बफेलोज. ओके, नेक्स्ट इज डियर. डियर में हम क्या करते हैं, डियर का सेम रहता है, इसमें प्लूरल चेंज नहीं होता, तो क्या होगा, डियर का डियर. नेक्स्ट वाइफ, इसमें क्या है, लास्ट में एफ ई है तो हम इसमें क्या करेंगे, वी ई एस. ओके, डब्ल्यू वाई वी ई एस, वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स. ठीक है, नेक्स्ट माउस, माउस का क्या हो जाता है, माइस, एम आई सी ई. ओके, नेक्स्ट काफ, काफ का क्या हो जाता है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, काफ का काफ्स हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट शीप, शीप का भी कोई चेंजेस नहीं होता, शीप का भी शीप रहता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम रहते हैं. ओके, ये हमने ऊपर भी देखा था हमारा टिक द करेक्ट आंसर में. ओके, अब मैंने आपको इतने बता दिए हैं, बाकी के आप खुद इसको करेंगे. ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिंगुलर्स ऑफ द नाउन्स गिवन बिलो. अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में किया था सिंगुलर से प्लूरल, अब क्या करना है, प्लूरल से सिंगुलर बनाना है. ओके, देखेंगे, फर्स्ट वन इज़ आर्मीज़, आर्मीज़ का क्या हो जाएगा, आर्मी. ओके, इसमें क्या हो जाएगा,
आई ई एस के प्लेस पर वाई हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज हाव्स, एच ए एल वी ई एस. इसमें भी हम क्या करेंगे, वी ई एस को हटाकर एफ लगा देंगे. ओके, नेक्स्ट इज एल ई ए वी ई एस. इसमें क्या किया है हमने, वी ई एस की जगह पर एफ लगा दिया है. ओके, नेक्स्ट ऑक्सिन, ऑक्सिन की जगह पर क्या किया है हमने, आपको बताया था इसमें ई एन लग जाता है कुछ में, कुछ चीज़ों में, कुछ नाउंस में हमारा आर ई एन और ई एन लगता है जो, तो वो इसमें भी हमने ऑक्स में ई एन लगाया है, तो इसका हम अगर सिंगुलर बनाएंगे तो उसमें सिंपल ओ एक्स ऑक्स हो जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है पुलिस मैन, एम ई एन. देखिए इसे प्लूरल हुआ है, तो हम अगर इसको एम ए एन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर. ओके, चलिए इसमें क्या है, वॉल्व्स, डब्ल्यू एल वी ई एस. इसमें वी ई एस की जगह क्या करेंगे, सिंपल एफ लगा देंगे. ओके, नेक्स्ट ग्लासेस. ओके, इसमें भी देखिए लास्ट में ई एस लगाया है, इसमें क्या करेंगे, ई एस को हटा देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा. ओके, देखिए वैलीज, वैलीज में देखिए वाई से पहले ई लगाया इसलिए हमने सिंपली एस लगाया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एस हटा देंगे तो ये सिंपली सिंगुलर बन जाएगा. ओके, अब मैंने आपको इतने बता दिए, बाकी के आप खुद करेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब हम चेंज द सेंटेंसेस गिवन बिलो फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, टेक हेल्प फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, वन इज डन फॉर यू. इसमें क्या करना है, इसमें सेंटेंसेस को चेंज करना है सिंगुलर से प्लूरल में. ओके, और आपके लिए टेबल भी दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप हेल्प लेके कर सकते हैं. दिस लेसन इज इंटरेस्टिंग. ओके, इसमें दिस की प्लेस पर क्या किया है देखेंगे हम, दिस का क्या किया है, दीज. ओके, दीज लेसन का क्या किया है, लेसन्स इसका आर. ओके, देखिए इसका आर किया हुआ है, इंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिंग. ओके, सो ये सिंगुलर में था, इसको पूरा प्लूरल में चेंज कर दिया है. चलिए हम एक और देखते हैं, बाकी के फिर आप करेंगे. ओके, द वुमेन हैज़ अ ब्यूटिफुल नेकलेस. ओके, तो इसमें क्या किया, द की तो द ही रहेगा, इसका तो कुछ सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं, तो सेम ही रहता है. अब देखेंगे वुमेन, वुमेन का क्या किया, एम ई एन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा. हैज की जगह क्या होगा, हैव देखेंगे हम, यहाँ पर किया है हैज है. ओके, वो किया हमने, फिर क्या है, अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सिंपल ब्यूटीफुल अ हटा देंगे, क्योंकि हम कब यूज़ करते हैं, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं. ओके, सो हमने इसको अ को हटा दिया है, देन ब्यूटीफुल की जगह ब्यूटीफुल, देन नेकलेस की जगह नेकलेसेस, इसको भी हमने प्लूरल बना दिया है तो नेकलेसेस कर देंगे. ओके, ओके, आपको ये क्लियर है, बाकी के आप खुद सॉल्व करेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर. अब क्या करना है, हमको प्लूरल दिए हैं, इसके हमको सिंगुलर में चेंज करना है. चलिए देखते हैं, द पुलिसमैन वर चेजिंग द थीव्स. ओके, इसमें क्या है, पुलिसमैन, पुलिसमैन एम ई एन लिखा है, तो हम क्या कर देंगे, एम ई एम ए एन. ओके, वर की जगह वॉज, चेजिंग की तो चेजिंग ही रहेगा, और थीव्स, थीव्स की जगह क्या कर देंगे, थीफ. ओके, नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड. ओके, चिल्ड्रन की जगह क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन तो प्लूरल वर्ड है, तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, चाइल्ड. ओके, प्लेइंग तो प्लेइंग ही रहेगा, वॉस की जगह, वर की जगह वॉस कर देंगे. ओके, देन बाकी हम एज इट इज लिख देंगे, वॉस प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड. ओके, क्लियर है सभी को, बाकी आप ये खुद करेंगे. अब मैंने आपको आपका होमवर्क भी बता दिया है, आपको इसमें से भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ.